नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सत्यजीत रथ से इस विषय पे कि कौन सी दवाएं कोविड 19 में उपयोगी है और क्या उसकी दाम होनी चाहिए, वाजिब दाम क्या होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कुछ दवाइयों की नाम तो आ रही है जिससे शायद लोगों को राहत मिल सकता है, कुछ अर्ली स्टेजेस पे पहले के दौर पे और कुछ जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसके दौर पे। तो पहले इस बात को करते हैं कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत सीरियस पेशेंट्स नहीं बनेंगे, कुछ इसमें से सीरियस पेशेंट्स होंगे, करीब 5-7%, इसमें थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, 10% भी तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो सत्यजीत, जो सीरियस पेशेंट्स है इसके बारे में बहुत सारे दवाइयों की बात पहले चली थी, अब डेक्सामेथासोन एक ट्रायल में काफी उपयोगी निकला, आज के तारीख पे ये जो दवाई आ रही की बात आ रही है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन की भी बात आई है, ये भी शायद इस्तेमाल करने से फायदा हो सकता है दूसरे दवाइयों के साथ, और उसके साथ साथ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की दो दवाइयों की बात आ रही है, एक जो टोसिलिजुमैब जुमैब और एक है इटोलिजुमैब, दो दवाइयों की बात आ रही है, क्या इसमें से आप बता सकते हैं कि इन दवाइयों भी क्या कुछ सचमुच केसेस को भला हो सकता है, फायदा हो सकता है, डेथ रेट्स क्या कम हुए हैं या अभी भी देखने की कुछ चीजें बाकी है? ये जो सब दवाइयां हैं इनको लेकर जब बात छिड़ती है तो हमने एक मुद्दा हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि इनमें से कोई भी दवा गंभीर लक्षणों से ग्रस्त रोगी के लिए कोविड-19 के जादुई इलाज नहीं है। कोई भी दवा अभी तक ऐसी नहीं है कि जिससे चुटकी से बड़ी गंभीरता से ग्रस्त रोगी को पूरी की पूरी राहत मिल जाए। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ छोटी छोटी बढ़ोतरियों की, कि कहीं कुछ थोड़ा सा फायदा हो रोगी के इलाज में, रोगी के उपचार में। और जब थोड़े से फायदे की बात होती है तब ये होता है कि किसी अस्पताल में डॉक्टरों ने किसी दवा का प्रायोगिक स्तर पर इस्तेमाल किया और थोड़ी सी राहत दिखाई दी, उसी दवा को किसी और अस्पताल ने किन्हीं और डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया और जांच कराई और उन्हें कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। आज जो कोविड-19 को लेकर जिस गुट की दवाइयों की आप बात कर रहे हैं उन सब का ये हाल है। जो बहस जारी है, जो चर्चे में बातें हैं और कोई सीधा साफ नतीजा नहीं निकल रहा, वो इसलिए कि इनमें से कोई भी चुटकी सा इलाज नहीं करती। ये पहली मैजिक बुलेट नहीं है, कोई जादुई इलाज नहीं, ये रही पहली बात। ठीक, दूसरी बात, पहले भी अपन ने इसको लेकर बात करी है, दो तरीकों की दवाइयां हैं। एक दवाई है जो विषाणु को, वायरस को, वायरस की बढ़ोतरी से में रोक लगाती है, तो वायरस जैसे दवाइयां हैं, कापियां बनती हैं, उस कापियां बनने की प्रक्रिया में रोकथाम होती है। इन्हें प्रत्यक्ष गुणकारी दवाइयां कहिए, डायरेक्ट एक्शन दवाइयां कहिए। दूसरा है जो गंभीर कोविड-19 के लक्षण हैं, वो उतने ही वायरस की वजह से है जितने कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया की वजह से है। झगड़ा चल रहा है शरीर में वायरस और उसके खिलाफ शारीरिक प्रक्रियाओं को लेकर, तो झगड़े में जाहिर है कि वायरस से भी कुछ लक्षण निर्माण होंगे, वायरस खिलाफ शारीरिक प्रक्रिया की वजह से भी कोई लक्षण निर्माण। ये जो दो तरह की दवाई आप कह रहे हैं, पहला दवाई जो वायरस का रेप्लिकेशन या बढ़ोतरी को रोकता है या कम करता है,
वो दवाई पहले स्टेजेस में, जिसको स्टेज वन स्टेज टू कह सकते, उस पर फायदा हो सकता है, पर एक बार अगर सीरियस हो जाता है तब दूसरे जो दवाइयों की आपने जिक्र की उसका फायदा हो सकता है ज्यादा। ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने पहले भी इस पे बात करी है, आम लोग ये मानेंगे ही ऐसी बात नहीं है, इसको लेकर बहस है, लेकिन जहां तक सबूत का सवाल है, जो आपने कहा वो सबूत के बराबर है, सबूत के अनुसार है। अभी तक यही सबूत पे आया, जो सामने सबूत हैं वो उस दिशा में हमें ले जा रहे हैं। तो रेमडेसिविर जैसी जो दवाइयां हैं, रेमडेसिविर हो, फेविपिराविर हो, रितोनाविर, लोपिनाविर जैसी दवाइयां हो, ये सब डायरेक्ट एक्शन दवाइयां हैं, सीधी वायरस की बढ़ोतरी पे रोक लगाने वाली दवाइयां। अब इन दवाइयों में कौन सी काम करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, इसको लेकर बहुत बहस है। अब बहस में एक दूसरा मुद्दा हमने याद रखना चाहिए, वो ये है कि जांच कैसे करें कि एक आध दवा काम करती है या नहीं। अब जादुई दवा हो तो जांच आसान है, क्योंकि जिसको दो वो झट से ठीक होके उछल कूद के निकल जावे, लेकिन अगर इस छोटी छोटी मात्रा में फायदा कराने वाली दवाइयां हो तो कैसे जांच करें कि सचमुच कोई फायदा होता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा जांच का ढांचा जो है उसे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करने में थोड़ी बहुत मुश्किल है और वक्त लगता है, तो इसलिए बहुत लोग रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के झंझट में पड़ते ही नहीं। अपन ने 20-30 पेशेंट आए, उनको अपन के दिमाग में आई थी कोई दवा, वो सो दिला दी, और बस जो नतीजे निकले अपन ने उसके अनुसार अपना कोई अनुमान बना लिया। इन दोनों के बीच में, ऑब्जर्वेशन सीरीज और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बीच में, कई सारी केस कंट्रोल, प्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल, रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल वाले जांच के ढांचे हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में दवा सचमुच गुणकारी निकले और एक से ज्यादा रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में छोटी मात्रा में क्यों ना हो गुणकारी निकले, तो उसे सही माना जाए, सही सबूत माना जाए। इस तरीके की के सबूत के कई रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में जो दवा कोविड-19 में गुणकारी है, एक भी दवा का उदाहरण हमारे सामने आज नहीं। तो गुणकारी का मतलब जो काम करती है, तो जितनी दवाइयों को लेकर बहस है उनमें से कोई भी दवा कई रेंडमाइज, कई अलग अलग रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में खरी नहीं उतरी। अच्छा, कुछ पे उतरी, कुछ पे नहीं उतरी, इसीलिए सब में पास है। कईयों को लेकर ही रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुई है, दूसरी ओर है कि कईयों को लेकर जो आप कह रहे हैं कि दो चार रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुई है, किसमें खरी उतरी है, किसमें नहीं उतरी। तो यह संभ्रमित अवस्था आज की तारीख में मौजूद है तकरीबन सारी दवाइयों को लेकर। इसमें अल्फा बीटा इंटरफेरॉन भी शामिल है, इसमें डेक्सामेथासोन भी शामिल है, इसमें रेमडेसिविर भी शामिल है, इसमें सब कुछ शामिल। तो इसलिए फर्क अपन यूं करते हैं कि किन दवाइयों को कम से कम एक रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में खरी उतरने का सबूत अपने सामने है, कम से कम। तो उनमें रेमडेसिविर एक है, डेक्सामेथासोन एक है, सिवाय इनके मेरे सामने आज कोई रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ऐसा नहीं। अब अल्फा बीटा इंटरफेरॉन, टाइप 1 इंटरफेरॉन, इन्हें छोड़कर मैंने अभी तक रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसमें दवा खरी निकली, परिणामकारी निकली, ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मालूम।
तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर दोबारा बातें हुई हैं 10-15 दिन पहले, तो ये लगने लगा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अब गए काम से, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं, WHO ने उसकी ट्रायल बंद करा दी है वगैरह वगैरह। तो पिछले दिनों में दो अलग अलग सबूत सामने रखे गए हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर। एक है ICMR का, जहां स्वयं सेक्रेटरी साहब लेखकों की श्रेणी में मौजूद हैं उस शोध निबंध के, तो जिसमें कहा गया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें रोग के COVID-19 के प्रतिबंध के लिए अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हफ्ते में एक बार दिया जाए 400 मिलीग्राम, तो रोग से बचने के लिए, रोग के ठीक होने के लिए नहीं, प्रिवेंशन के लिए गुणकारी है। ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च फायदेमंद है, पिछले दिनों छपवाया है, लेकिन ये कोई रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है। उसी तरीके से कुछ चंद दिन पहले इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज में एक पर्चा छपवाया गया है, डिट्रॉइट में शायद, हेनरी फोर्ड हेल्थ केयर सिस्टम में, जिन्होंने भी इसी तरीके के मार्क का अवलंब किया है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है। अच्छा, इसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बतौर ट्रीटमेंट के, प्रिवेंशन के नहीं, बतौर ट्रीटमेंट के जांचा गया है और उसे गुणकारी बताया गया है। अब परेशानी ये है कि 3-4 महीने बाद आज भी लोग पर्चे जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर छपवा रहे हैं वो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के नहीं है, वो बहुत कम विश्वसनीय जांच के ढांचों की है। और इस वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर अभी भी मैं बहुत कुछ आशादायी नहीं। उसका मतलब कह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंस अभी इस पर नहीं है, जब तक रेंडमाइज कंट्रोल से निकले खड़े निकले ये। और दूसरी बात यह है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स अभी तक जो हुई है उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सफलता नहीं देखने को मिला, तो नेगेटिव थोड़ा सा रिगरस रहा है, खासतौर से जो इंग्लैंड में जो NHS के पेशेंट्स को लेके हुआ है लगता है। और बाय राइट दैट इज आल्सो इन इंग्लिश, एक शायद रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई असर दिखाई नहीं दिया, ऐसी एक ही शायद पूरी हुई है, बहुत ज्यादा पूरी भी नहीं। WHO ने तो रोक ही दी, तो वो पूरी नहीं हुई। WHO जो रोका था वो एक पेपर के ऊपर रोका था, जिस पेपर के बारे में शक आया था, वो भी पेपर का डेटा गलत जो कहा गया था, मैन्युफैक्चर डेटा का क्लेम था उसमें। पर सवाल है कि वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल वैसे भी नहीं था, एक्चुअली दो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो रहा था दुनिया में, जो जाने माने संगठन जो कर रहे हैं, एक NHS के साथ जो हो रहा है रिकवरी ट्रायल्स इंग्लैंड में, और जो ट्रायल्स हो रहा है आपका WHO में जो सॉलिडारिटी ट्रायल्स कह रहे हैं, दोनों में अभी तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई उस तरह से सबूत नहीं निकला कि उसमें लाभदायी है, यही आप कह रहे हैं। तो ये हेनरी फोर्ड वाला क्लेम थोड़ा देखनी पड़ेगी, और प्रोटेक्टिव क्लेम में हम नहीं जा रहे हैं। देखा हुआ है, उसमें परेशानी ये है, एक तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की डिजाइन नहीं है, लेकिन वो तो एक तौर से फॉर्मल टीका है, फॉर्मल टिप्पणी हो गई कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, डेटा को तो देखो कम से कम कोई कहे, तो डेटा को जब देखें तो जाहिर होता है कि जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिला है उस गुट में और जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं मिला उस गुट में और भी बाकी फर्क हैं, सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का फर्क नहीं है।
उदाहरण स्वरूप जिन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिला है उस गुट में स्टीरॉइड डेक्सामेथासोन जैसे स्टीरॉइड मिलने की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे हालात में ये अनुमान निकालना कौन सी लगी की वजह से ये जो फायदा दिखाई दे रहा है वो हो रहा है ये अतिशयोक्त होगा। तो इसका मतलब कौन सी लगी ये बताना मुश्किल है क्योंकि आप और भी दवाइयां दे रहे थे और इसीलिए कंट्रोल की बात आती है कि रैंडमाइज तो एक बात है, कंट्रोल ट्रायल्स में दो गुटों की अलग अलग दवाई अगर होगा इसमें एक दवाई की फर्क होगी तब आपको मात्रा में अगर फर्क होता है तब कह सकते हैं इसके वजह से हुई है। अगर दोनों तरह से आप दवाइयां बदलते रहेंगे तो कौन सी दवाई लगी नहीं लगी ये बताना मुश्किल है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन अभी भी इसलिए क्वेश्चन मार्क के रूप में है। आते इस दवाई लेकिन प्रबीर एक बात हमने कहनी चाहिए कि ये जो हम कह रहे हैं सवाल उठा रहे हैं इसमें इसमें से यूं ना लगे लोगों को कि ये सब दवाइयां बेकार हैं। लोगों ने ये याद रखना चाहिए कि ना हम कह रहे हैं कि दवाइयां बेकार हैं ना हम कह रहे हैं कि दवाइयां गारंटीदार हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन सब की और सीधी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए और होनी चाहिए क्योंकि शायद इनमें से थोड़ी बहुत मात्रा में क्यों ना हो फायदा होने वाली दवाइयां सामने आ जाए और काम आए। और यह भी है कि अगर 15-20% भी नंबर्स घटते हैं मौत की जो सीवियर पेशेंट तो कोई छोटी बात नहीं है और खासतौर से डेक्सामेथासोन की जो फिगर्स है करीब करीब इसी तरह का है तो इसीलिए और वो सस्ता भी है पेटेंट पे नहीं है बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है। तो डेक्सामेथासोन को अभी तक जितने दवाइयां हैं तो दोनों तरफ से पैसे के हिसाब से खर्च के हिसाब से और बड़े पैमाने में मिलने के वजह से भी ये दवाई अभी भी लगता है कि कुछ आशा दिखा रही है कुछ आशा क्योंकि 15-20% से ज्यादा अभी तक नंबर्स इसके घटे नहीं है जो आपने मैजिक बुलेट की पहले कही। बात आपने डेक्सामेथासोन की छेड़ी तो उसी को लेकर आपके अगले सवाल जो आपने पहले करा था वहां जाते हैं क्योंकि जब हमने कहा कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो वायरस की बढ़ोतरी को रोक सकती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन को शोथ को रोकती हैं, डेक्सामेथासोन दूसरे गुट की दवाई है पहले गुट की नहीं। और दूसरे गुट की जो नई दवाइयां आज बहुत चर्चे में हैं वो हैं ये जो सब मैब दवाइयां हैं जिनका आपने शुरुआत में जिक्र किया था, टोकैलिजुमैब हैं, इटोलिजुमैब हैं, ये सब मैब दवाइयां हैं। तो थोड़ा एक सेंटेंस दो सेंटेंस में बताइए। तो ये जो दवाइयां हैं तो आम दवाइयां जैसे डेक्सामेथासोन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इनका जो मॉलिक्यूलर आकार है साइज है बहुत छोटा है। मैब की जो दवाइयां हैं वो दवाई खुद एक प्रथिन है एक प्रोटीन है एक एंटीबॉडी प्रोटीन है। तो इन दोनों के आकार में हजारों गुना का फर्क है तो बड़ा मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं। तो मैब्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं और आम जो अपन पहले पहले बात कर रहे थे वो दवाइयां बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल हैं। तो छोटे मॉलिक्यूल बनाने में आसान है बड़े मॉलिक्यूल बनाने में उतने आसान नहीं है। और चूंकि बनाने में उतने आसान नहीं है उनको लेकर कीमत के भी सवाल हैं पेटेंट के भी सवाल हैं और मात्रा के भी सवाल है कि आपको बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर होना चाहिए हो सकता है क्या नहीं इस पे प्रश्न चिन्ह है क्योंकि बड़े आप जिसे कहते हैं कि बड़े पैमाने पर अगर दवाई बनाना है स्केलिंग आप इतना आसान नहीं है इस पे वक्त लगेगा और बड़े मात्रा में दे भी नहीं पाएंगे। ये और एक मुद्दा है
कि गोली ले सकते हो मुंह से, मैब्स जो हैं सारे इंजेक्टेबल्स, वो सिर्फ इंजेक्शन के नहीं, नस में दी गई टंगी बोतल वाली इंजेक्शन से देना पड़ेगा। अच्छा, तो सिर्फ इंजेक्शन की सुई से नहीं, नस में टंगी बोतल से इंजेक्शन जाएगा। तो जाहिर है कि उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था भी उस सतह की होनी चाहिए कि ये सब रोगियों को दे पाए। तो मैप नहीं हो सकता है, मैप की बात उतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। अच्छा, तो दो मैप्स आज चर्चे में हैं, दो मैप्स अभी चर्चे में, एक है टोकेलिज़ुमैब और एक है इटोलिज़ुमैब। अब काफी चर्चा है कि इटोलिज़ुमैब आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, तो आत्मनिर्भर भारत से भी वो आत्मनिर्भर क्यूबा का उदाहरण है सच कहें तो, क्योंकि बनाया है क्यूबा ने, खरीदा और विकसित किया है भारत में बायोकॉन, बायोकॉन, लेकिन उसकी खोज क्यूबा की है, उसकी खोज भारत की नहीं है, तो जिसका श्रेय उसको मिलना चाहिए ना। तो हमारे लिए तो जितना आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है, उतने ही आत्मनिर्भर सब बाकी सारे देश भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो लेकिन ये बातें छोड़ के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें, बड़े चाव की बात है कि टोकेलिज़ुमैब और इटोलिज़ुमैब में क्या कोई फर्क है। साफ है कि इन दोनों के भी आज तक रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं हुए। जितने सबूत सामने हैं, बायोकॉन ने जो छोटा सबूत पेश किया है डीसीजीआई को, जिसके आधार पर इटोलिज़ुमैब की लाइसेंसिंग हुई है हिंदुस्तान में, तो रेंडमाइज्ड ठीक ठाक सही ढांचे में किए गए रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स इनमें से कोई वैसे है नहीं, लेकिन कुछ कुछ सबूत है। मान इसमें कोई बहुत अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी उसी तरीके का शोथ विरोधी एंटी इंफ्लेमेटरी काम करते हैं जैसा कि डेक्सामेथासोन करता है, अलग अलग रास्तों से अलग अलग तरीकों से करता है। आपने पिछले बार कहा था कि ये थोड़ा ज्यादा बारीकी से करता है और डेक्सामेथासोन थोड़ा ब्रॉड है, तो बिल्कुल हथौड़ा मार है, और ये एक हिसाब से स्क्रू ड्राइवर है जी। और टोकेलिज़ुमैब और इटोलिज़ुमैब दो अलग अलग आकार के स्क्रू ड्राइवर है, और जो टोकेलिज़ुमैब है वो जिस रास्ते से काम करता है, उस रास्ते पे शरीर में जितनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा में काम आती है उन सब में से निकलने वाले एक द्रव्य को रोकता है, इंटरलुकिन 6 को रोकता है। इटोलिज़ुमैब जो है वो सिर्फ एक तरीके की कोशिका टी सेल, टी लिम्फोसाइट, उसका काम रोकता है, बाकी प्रतिरक्षा में काम देने वाली कोशिकाओं का काम नहीं रोकता। तो मैं ये बात इसलिए छेड़ रहा हूं कि अलग अलग पैने रास्ते भी हैं इन्फ्लेमेशन को, शोथ को रोकने के लिए, और उनमें से अलग अलग रास्ते अलग अलग रोगियों में ज्यादा या कम उद्दीपित हो सकते हैं, उत्तेजित हो सकते हैं, और इसलिए ये दवाएं अलग अलग रोगियों में अलग अलग तरीकों से काम आ सकती है। और इसलिए मैं अपन ने जो पहले बात करी 5 मिनट पहले, उस पर दोबारा जाना चाहता कि इन सब को लेकर रिकवरी ट्रायल का जो आपने जिक्र किया, वैसी एक सही सुनियोजित बड़े पैमाने की ट्रायल क्या हिंदुस्तान में है
कोई कर रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो आप शोध निबंध छपवा रहे हैं अपने नाम पर, क्या ऐसी देशव्यापी ट्रायल जिसके बहुत सारे पुर्जे हों अलग अलग दवाइयों को नापने के लिए, ऐसी ट्रायल का निर्माण किया है क्या? अच्छा सत्यजीत, अभी काफी हमारा चर्चा हो चुका है इस विषय पे, मैं सिर्फ आखिरी सवाल पे आना चाहता हूँ, आपके इस जवाब के साथ जुड़ा हुआ है ये कि सरकार को ट्रायल्स को बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। ये तो ठीक है, ये बात सही है, ये पहले भी हम कह चुके हैं, और सिर्फ इसके लिए नहीं वैक्सीन ट्रायल्स के लिए भी इसकी जरूरत है। ये तो और इस वैक्सीन ट्रायल्स की बात भी हम पहले जिक्र कर चुके थे, पर हम इस बात पे आना चाहते, सरकार की इस वक्त शोध का तो भूमिका नहीं हो सकता क्योंकि शोध की गाड़ी बहुत पहले निकल चुकी है। इस वक्त जो आपको करना है कि दवाई अगर है तो अस्पताल तक पहुंचे, अगर दवाई नहीं है क्या दवाई बना सकते हैं, क्या पेटेंट की उस पर रुकावट है, पेटेंट को तोड़ने की जरूरत है, इस तरह के जो कदम होनी चाहिए, इस तरह कोई सुनियोजित प्लानिंग दिखाई पड़ रहा है क्या ICMR या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से? मैंने तो नहीं देखा। सरकार जहां तक आम सार्वजनिक चर्चे में जो बातें हैं उनसे इतना लग रहा है कि सरकार निजी कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है कि किसी तरीके से थोड़ी कम कीमत में दवाइयां बाजार में लाए। लेकिन क्या सरकार पेटेंट कानून के अनुसार जो कंपलसरी लाइसेंसिंग के प्रावधान है उन्हें काम में ला रही है? नहीं। क्या सरकार अपने जो सार्वजनिक दवा बनाने वाले संस्थान है, जैसे कि हाफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है बंबई में, जैसे कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स है पुणे में, जैसे कि बिबकॉल है दिल्ली के पास, ये सारे सरकारी सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर प्रावधान पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या इनमें रेमडेसिविर बनाने के लिए या और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल दवाइयां बनाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है? मैंने तो सुना नहीं, अगर उठाया रही है तो जहां तक मैं देख सकता हूं सरकार दवाइयों की सप्लाई के बारे में सिवा निजी कंपनियों का के कोई रास्ता ढूंढ नहीं रही। लेकिन ये कोई अचरज की बात नहीं है क्योंकि सरकार COVID-19 के रोगियों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अस्पताल भी तो नहीं बना रही, निजी अस्पतालों के साथ बात कर रही है, उनके सामने कभी हाथ जोड़ के कभी डंडा दिखा के गिड़गिड़ा रही है कि इन रोगियों को ले लो। तो पब्लिक हेल्थ की जो दृष्टि होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है, वो देखने को तो कम से कम नहीं मिल रहा है। दर्शकों को कहीं भी बताना चाहेंगे जो जुमैब दवाइयों को इटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब की बात की, उनके दाम इतने हैं कि आम जनता के पास पहुंचने का सवाल ही नहीं है। इटोलिजुमैब फिर भी कम पैसे में मिल सकता है, करीब 40,000 50,000 60,000 में शायद आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर टोसिलिजुमैब इस्तेमाल करेंगे 2.5 लाख 3 लाख की बात लाखों में जाता है क्योंकि वो पेटेंटेड है और क्यूबा से नहीं है, अमरीकी कंपनियों की पेटेंट है, रोश की पेटेंट है इसमें, तो इसीलिए आपको वो पेटेंट का खर्चा भी भरना पड़ेगा जो क्यूबा के लिए आप नहीं कर रहे हैं। तो ये तो दवाइयों की है और इन दवाइयों को बनाने का खर्चा है, सही है कि जहां पर डेक्सामेथासोन कुछ पैसों में बन जाती है 10 पैसे में शायद बन जाती है, वहां पर जुमैब बनाने के लिए कोई भी मैप बनाने के लिए दवाई के लिए उसका $10 $15 $20 तक उसकी एक मात्रा की दाम हो सकती है, फिर भी
इतना बड़ा नहीं है जितना बायोकॉन भी हमसे चार्ज कर रहा है, पर इसको तो छोड़िए, अगर दूसरी दवाइयों की देखेंगे, अब रेमडेसिविर भी उस पर आती है क्योंकि वो भी सस्ते में नहीं मिल रहा है हिंदुस्तान में, तो इन सब दवाइयों की जितनी जरूरत है अस्पताल में सिर्फ नहीं, हम रेमडेसिविर तो सबको जरूरत हो सकती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट जैसे पैरासिटामोल की तरह आप ले सकते हैं अगर पैसे दाम के हिसाब से देखी जाए, क्योंकि बनाने का कोई खर्चा है नहीं उसका। तो ये चीजों के बारे में सरकार की निगाह होनी चाहिए और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे प्रोफेसर रथ के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी। डॉक्टर रथ, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद और आपसे हम इस चर्चा आगे भी करते रहेंगे।